जानते मीठे बाप दादा के 14 तारीख की वाणी को अभ्यास द्वारा अनुभव करेंगे। बाबा ने हमको अपने सामने इमर्ज कर ये वाणी को हमारे दिल में समाने वाली दृष्टि देते हुए सुनाया। बाबा कह रहे हैं, बच्चे मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। बाबा कहता है, सबसे ज़्यादा मेहनत श्री कृष्ण की आत्मा ने की है संगम पर। बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाबा बैठ समझाते। बेहद का बाप निराकार शिव 5000 वर्ष के बाद एक ही बार तुमको पढ़ाते हैं। बाबा कहता है, सत्युग है नई दुनिया, खूबसूरत पावन दुनिया। तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप आया है नई दुनिया सुख धाम बनाने। अभी तुमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं, बाबा के बगैर कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का रहस्य समझा ना सके। अब तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। बेहद का बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझ। परमपिता परमात्मा बेहद के बाबा को याद करो। अपने को बाबा की याद में स्थित करेंगे, आत्माभिमानी स्थिति की स्टेज पे स्थित हो जाएंगे। बाबा कहता है, याद की यात्रा मुख्य है, ये है बुद्धि की बात। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाबा कहते, पहले अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद कर सकेंगे। बाबा कहता है, सतयुग है संगम की, पुरुषार्थ की, संगम की पढ़ाई की प्रारब्ध। इस समय के ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। बेहद का बाब एक बार आते हैं सुख का वर्षा देने।
संगम युग पर एक ही बार आते हैं। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम जब होता तब ही बाप आते, नई दुनिया फिर से स्थापन करने। बाबा कहते नई दुनिया जब थी तो नई दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी बाबा कहते हैं अपने घर शांति धाम और नई दुनिया सुख धाम को याद करो। बाबा कहते हैं ये ज्ञान मार्ग है, समझ का मार्ग, जिससे तुम आत्माएं 21 जन्म समझदार बन जाती हो। बाबा कहता है, कहा जाता है मांगने से मरना भला। बाबा तुमको ऐसा साहूकार बना देते जो कि देवताओं अथवा भगवान से कुछ मांगने की दरकार नहीं रहती। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे हो, संगम पर तुम संगम युगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। देवताएं कभी भी प्याज आदि थोड़ी खाते हैं। इन देवताओं को कहा ही जाता है निर्विकारी। अभी बाबा कहते हैं बच्चे सत्व प्रधान बनो। बाबा को याद कर पावन बनो। बाप कहते ज्ञान सागर एक बाप ही है, तुमको समझाया जाता है ना, उच्च पद पाने लायक बनो। बाप कहते हैं राजाई स्थापन हो रही है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुम बच्चे बाप द्वारा राज योग सीख रहे हो। बाबा कहते हैं ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है, जो अच्छी रीति मेहनत करते वो सूर्यवंशी बनते। बाबा कहते हैं तुम्हारा बीज रूप है बाबा, क्योंकि बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा को प्रजा पिता कहते। बाबा कहते दृष्टा नहीं कहेंगे, इन द्वारा बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं, तो ब्रह्मा को भी तो क्रिएट करते हैं ना। बाप आकर प्रवेश कर यह रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो,
ब्रह्मा भी कहते हैं, तुम मेरे साकारी बच्चे हो, अभी तुम छी-छी काले बन गए ना, अब फिर ब्राह्मण बने हो। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। बाबा कहते तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है देवता बनने के लिए। बाप आते ही संगम पर हैं। ये छोटा सा युग इनको लीप युग कहते। बाप को भी मेहनत लगती है। बाबा कहते तुमको देवता बनने में टाइम लगता है। जो अच्छे कर्म करते तो अच्छे कुल में जा जन्म लेते हैं। अभी तुम बच्चे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार गुल गुल बन रही हो। आत्मा ही बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा बाप द्वारा अच्छे कर्म सीख रही है। अभी तुम गुल गुल बन अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। बाबा कहते यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते तो ज़रूर अच्छे कुल में जन्म लेते होंगे। नंबर वार तो है ना। बाप कहते हैं अभी जैसे जैसे कर्म करते हो ऐसे ऐसे जन्म लेते। जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं तो फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता। बाबा कहता है भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते तब श्री कृष्ण का जन्म होता। तब तक बदली सदली होती रहती है। बाबा कहता है जब कोई छी-छी नहीं रहेगा तब श्री कृष्ण आएंगे। तब तक तुम आते जाते रहेंगे। कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए ना, फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी चले जाएंगे, तब ही उसको स्वर्ग कहा जाएगा। तुम श्री कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे। बाबा कहते हैं पवित्र जन्म श्री कृष्ण का पहले पहले होता है, उसके बाद नई दुनिया वैकुंठ कहा जाता। कृष्ण बिल्कुल गुल गुल दुनिया में आएंगे। रावण संप्रदाय बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बाबा कहता है कृष्ण का नाम इतना बाला है क्योंकि पहला जन्म उनका योग बल से होता है ना, तो सिद्ध है ना। इतना पुरुषार्थ
कृष्ण ने किया है, सब बातें तुम समझते जाएंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण हैं, वही सदगति में आते, बाकी सब खत्म हो जाते, तब उनका जन्म होता, फिर कहेंगे पावन दुनिया। बाबा कहते आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, तुम किसको भी समझा सकते। हम ऐसा पावन बनने के लिए, देवता बनने के लिए बेहद के बाबा के द्वारा पढ़ रहे हैं। बाबा कहता है विश्व में इनका राज्य था, अब स्थापन हो रहा है हमारे लिए, फिर पावन दुनिया चाहिए ना। अभी संगम पर तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन जाएंगे तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होंगे। अभी तुम संगम योगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो, ये सारी मेहनत की बात है। बाबा की याद से विक्रमाजीत बनना है। तुम खुद कहते बाबा याद घड़ी घड़ी भूल जाती, बाबा बैठ समझाते हैं, याद में रहेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। माशूक को याद करो, इसमें मेहनत है, याद की यात्रा से आत्मा पवित्र होगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। तो सारा मदार है पवित्रता पर। बाबा कहते पवित्रता मुख्य है। बाबा समझाते हैं तुम्हारे में कितनी ताकत थी, सर्वशक्तिमान बाप से तुमको इतनी ताकत मिलती है। बाप समझाते अभी सब तमो प्रधान है, इसीलिए साधुओं आदि का भी उद्धार करने बेहद का बाप आते हैं। बाबा कहता ये दुनिया अब बदलनी है। बाबा कहते सब आत्माएं वापस घर चली जाएंगी, एक भी नहीं है जिसको ये पता हो हम आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, जो फिर से रिपीट करेंगे। बाबा कहता आत्मा इतनी छोटी, उनमें अविनाशी पाठ भरा है जो कब विनाश नहीं होता। इसमें बुद्धि बड़ी स्वच्छ पवित्र चाहिए, वह तब होगी जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। बाप कहते हैं बच्चे
मेहनत के सिवाय पद थोड़े ही मिलेगा, इसलिए कहा जाता है ना, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। अब बाप समझाते हैं बच्चे, कहाँ तो ऊँचते ऊँच राजाओं का राजा डबल सिरताज, कहाँ प्रजा, पढ़ाने वाला तो एक ही बाप है ना। इसमें बाप कहते समझ बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा बार बार समझाते, याद की यात्रा है मुख्य, बेहद का बाप तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते, तो बाप बाप टीचर गुरु भी है। बाबा कहता बाप तो है टीचरों का टीचर, बापों का बाप, ये तुम बच्चे जानते हो। हमारा बाबा बहुत प्यारा है, बहुत सुख देता है, तो ऐसे बाप को तो बहुत याद करना है। बाबा कहता पढ़ना भी पूरा है, बाप को याद करेंगे तो पाप नष्ट होंगे। बाप सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी शरीर तो सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, अभी बाबा की मुरली को अभ्यास करते, मैं आत्मा बाबा की याद की यात्रा में मस्त रहने वाले, बाबा की श्रेष्ठ पुरुषार्थी स्टूडेंट हूँ। मेरा माशूक मेरा बाबा है, मीठे बाबा के मीठी मीठी याद में रहे, विकर्मों को भस्म करने वाली मैं बाबा की विक्रमाचीत कर्मातीत श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मन बुद्धि से बाबा से कनेक्ट हूँ, बाबा की किरणों के प्रवाह को रिसीव कर रही हूँ, बाबा की पालना में पलने वाली संगम युगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण आत्मा हूँ। बाबा की समझदार आत्मा परमात्म कार्य में तन मन धन सफल कर, डबल सिरताज बनने वाली बाबा की वर्षे की अधिकारी वारिस आत्मा हूँ। श्रेष्ठ संस्कारों को दैवी गुणों को धारण करने वाली
बाप की आज्ञाकारी आत्मा हूँ। बाबा के वरदान को धारण करेंगे, बाबा के वरदान के सम्मान की स्थिति में स्थित हो, अपने दर्शनीय मुहूर्त के स्वरूप को इमर्ज करेंगे, विजन क्रिएट करेंगे। मैं आत्मा अपनी संपूर्णता की स्टेज में स्थित हूँ। मैं दर्शनीय मूर्त आत्मा विश्व स्टेज पर अपने संपूर्ण स्टेज में स्थित हो, बाबा के साथ कनेक्टेड स्वरूप में स्थित हो, सारे विश्व को दृष्टि दे, नजर से निहाल कर रहे हैं, पूरा विश्व सम्मुख इमर्श है, बाबा के साथ कंबाइंड में आत्मा दर्शनीय मूर्त संपूर्णता की शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो, दृष्टि के द्वारा विश्व को परिवर्तन करने वाली, नजर से निहाल करने वाली दर्शनीय मूर्त आत्मा सदा समर्थ संकल्पों में रमण करने वाली संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहने वाली, नजर के द्वारा आत्माओं को बाबा का बनाने वाली दर्शनीय मूर्त आत्मा हूँ। जहान का नूर आत्मा हूँ। भक्तों को नजर से निहाल करने वाली संपूर्णता की स्टेज वाली दर्शनीय मूर्त आत्मा हूँ। बाबा कहते बच्चे निर्मल स्वभाव धारण कर सफलता प्राप्त करने वाली, निर्माणता के गुण वाली आप दर्शनीय मूर्त आत्मा हो। मैं आत्मा अपने कर्मों में मोलों में निर्मल स्वभाव द्वारा निर्माणता के गुण को धारण कर सफलता प्राप्त करने वाली दर्शनीय मूर्त आत्मा हूँ।